दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि पिप होता क्या है और उसकी वैल्यू क्या होती है। यानी कि अगर हम जो है हमारा जो है एक पिप का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो हमारा कितने डॉलर का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ जो है हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो पिप होता क्या है? पिप यानी जो दो करेंसीज़ होती हैं, दो कंट्री की जो करेंसीज़ होती हैं उनमें जो उतार चढ़ाव होता है उसी को कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है, एक मानक है, यानी कि एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ क्या, कितना लॉस हुआ दो करेंसीज़ के बीच जो उतार चढ़ाव होता है। तो ये तो हो गई मान लीजिए थ्योरी। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे कि आखिर पिप को हम कैसे फाइंड करें कि हमारा किस प्राइस पर हमारा एक पिप बन रहा है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड है ऊपर, तो गोल्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि गोल्ड का अलग सिस्टम है। इसको समझने के लिए इसका पिप जो है पिप वैल्यू अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इसमें क्योंकि ये जो है करेंसी पेयर नहीं, ये मेटल है, मेटल में अलग मेथड यूज़ होता है। तो हम सिर्फ करेंसी पेयर के बारे में समझेंगे, जैसे कि हो गया यूरो यूएसडी, फॉरेक्स करेंसी जो हैं, फॉरेक्स पेयर्स हैं, जीबीपी और जीबीपी कैट, जीबीपी जेपीवाई, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका प्राइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यूरो यूएसडी पे समझने वाले हैं। यूरो यूएसडी पे अगर आप समझ गए तो आप सभी करेंसीज पे जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो अभी करंट प्राइस है $1 है, उसके बाद 0.06045, उसके बाद ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ज़ीरो लास्ट वाला है वो स्मॉल लेटर में है, यानी कि इसका डिजिट काफ़ी स्मॉल है, छोटा सा यहाँ पे ऊपर है। तो मतलब कि इसे आप सुपर स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो है क्या, ये ज़ीरो जो है वो पिपेट्स है, यानी कि इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत होती है तो इसकी वैल्यू जो है काउंट नहीं होता। अगर हम इसको ये जो छोटा वाला हमें फोर दिख रहा है या छोटा वाला जो ज़ीरो दिख रहा है या फाइव दिख रहा है, इसे अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा जो है पिप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है काउंट करने में। तो इस वजह से हम जो है इसको छोड़ देंगे, ये पिपेट्स है तो पिपेट्स को छोड़ के हम यहाँ पे पिप का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइव जो है ये जो है एक पिप है, फाइव जो है एक पिप है, और फोर जो है वो 10 पिप है, और ये जो सिक्स आपको दिख रहा है वो है 100 पिप। अब फाइव यानी फाइव जो है एक पिप है, तो अगर फाइव के बाद यानी फाइव अगर फोर फाइव है यहाँ पे, अगर फोर फाइव सिक्स हो जाता है तो समझ लीजिए आपका एक पिप यहाँ पे बन गया। तो अगर आपने फोर फाइव पर अपना ऑर्डर ओपन किया है और आपने 4-6 पर अपना ऑर्डर क्लोज़ कर दिया है तो समझ लीजिए आपका जो, अगर आपने लॉस में क्लोज़ किया है तो आपका 1 पिप लॉस होगा, और अगर आपने प्रॉफिट में क्लोज़ किया है तो आपका 1 पिप का प्रॉफिट होगा। तो अब 1 पिप का आपका वैल्यू क्या बनता है? 1 पिप का वैल्यू बनता है आपका 0.10 सेंट। यानी कि इसका अगर आप एक प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं यूरो यूएसडी में या जीबीपी ऑड में या फिर जीबीपी कैड में या फिर जीबीपी जेपीवाई में या फिर जीबीपी सीएचएफ में, किसी भी करेंसी पेयर में अगर आप लॉस करते हैं तो समझ लीजिए आप $0.10 का लॉस करते हैं अगर आप 1 पिप का लॉस करते हैं। तो यहाँ पे आपने आसानी से समझ लिया। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो एक बार और मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ज़ीरो यहाँ पे लास्ट में है एकदम ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सुपर स्क्रिप्ट में ज़ीरो लिखा हुआ है। ये जो है पिपेट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इसका वैल्यू है लेकिन इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पिपेट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है पिप से। तो पिप जो है यहाँ पे ये फाइव जो है, ये बड़ा वाला जो फाइव दिख रहा है ये 1 पिप हो गया, और ये जो फोर दिख रहा है ये 10 पिप हो गया। यानी अगर ये वाला जो लास्ट वाला फाइव है अगर इसमें चेंजेस होगा तो समझ लीजिए आपका 1 पिप जो है वो बढ़ रहा है। यानी ये फाइव अगर 9 हो गया तो समझ लीजिए हमारा 4 पिप बढ़ गया, और अगर फाइव हमारा फाइव ही रहे और उसके बाद फोर हमारा जो है वो फाइव हो जाए तो समझ लीजिए हमारा 10 पिप बढ़ा। और 10 पिप का प्रॉफिट कितना होगा तो 1 पिप से आपको कैलकुलेट कर देना है। अगर आपका 1 पिप का प्रॉफिट 0.10 सेंट बन रहा है तो आपका 10 पिप का प्रॉफिट होगा 10 × 0.10 यानी कि $1 के करीब।
तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे 10 पिप इंटू 1 पिप का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.10 सेंट, इसका कितना बन रहा है यहाँ पे, $1 बन रहा है, 1 यानी कि $1। तो अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, यानी कि अगर आपको यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया है, आपने यहाँ पे यूरो यूएसडी में बाई किया कितने पर, 45 पर बाई किया, यानी कि 645। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के बाद 0.645 है, 645 पे आपने बाई किया, और उसके बाद 655 पे आपने टेक प्रॉफिट रखा और आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो 645 जो था और 655 के बीच जो चेंजेस है वो 10 पिप की वैल्यू है, यानी कि 10 पिप आपने प्रॉफिट किया, और आपका और 1 पिप का आपका वैल्यू कितना बन रहा है यूरो यूएसडी में, 0.10। तो अब आपने 10 पिप यानी कि प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, तो आपका कितना बनेगा, $1। तो इस तरीके से आप जो है पिप को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अगर आप इसमें समझ पाएँ आसानी से कि पिप को समझ गए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता देना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तब भी आप कमेंट में बता देना, तो मैं दूसरी बार कोशिश करूँगा और भी आसानी से आपको समझाने की, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।